All right guys, once again welcome back to our channel and welcome back in my new another video. So कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो guys आज की वीडियो में आपका बहुत ही ज्यादा स्वागत है और या आज की वीडियो में हम बहुत कुछ करने वाले हैं। देखो सबसे पहले तो आवाजें आ रही हैं अंदर से। आज हम जो है एक छोटा सा फंक्शन देने जा रहे हैं अपने घर में और या उसके लिए हम थोड़े पूरे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और या तुमको मैं मिलाता हूँ ओ मेरे मन और भाई से कौन है? कोई नहीं आती है लोग लोग बंद सैया ये मेरे पापा और पापा की खुशी देखो समा नहीं जा रही लेकिन सुबह सुबह सबकी हालत टाइट हो गई है बिकॉज सुबह सुबह सबको उठा के डाला है और देखो अभी अभी काम के लिए बोल रहे हैं यार क्या चक्कर ये है कि मैं जस्ट अभी उठा हूँ मुंह छू धोया और अब बोल रहे हैं चल काम करने ऑल राइट कोई नहीं अब हम जा रहे हैं कुछ कुछ लाने सामान लाने बिकॉज देखो यार सच्ची बात ये है कि आज हमारी है जात्रा और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज तो आप भी हमारे साथ बने रहो। सो अब हम क्या कर रहे हैं सभी को फोन कर रहे हैं और हमारे सभी परिवार के सदस्य जो हैं घर में रोटी बना रहे मेरा भाई हंसता है यार मेरे कैमरा को साइड नहीं कर सकता मेरा भाई हंसता है मेरी बातों पे पता क्या ही बोलूं चलो देखते हैं मैं चाहता हूँ ये फंक्शन जो है हंसी खेल में ही बीते तो ही अच्छा है। हाँ जी भैया ऑल राइट गाइस देख रहे हो हमारे प्याज कट के हो चुके हैं रेडी अब मैं डालना मम्मा इनको फ्रिज में बाहर हम इनको डालेंगे फ्रिज में ठीक है ये रहा इसको डाल दिया यहाँ ठीक है तो आप देख रहे हो आप क्या कर रहे हैं अब रोटी खाएंगे देखो गाइस हमारी रोटी लग चुकी है तो रोटी खाएंगे एंड देन अरे बहुत काम है मेरे भाई कुछ कहना चाहेगा कुछ नहीं भूख लगी है कुछ तो यार जय माता दी राम 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 भूकंप थोड़ी आया है भूकंप चल रहा है बहुत राम भाई जा रहे हैं हाँ जी और तू गाइस वेलकम टू माय चैनल ऐसे बोलना नहीं बाहर जाने से ऑल राइट गाइस तो अभी हमारा ब्रेकफास्ट जो है वो हो गया है और ये देखो हमारी मोंटू जो है अपने बिस्तरे पे विराजमान है और शोंटू देखो नीचे मेरी काकजी मेरी काकजी अमर सिंह अभी मैं बनाऊं ब्लैक निंजा और ये है मेरा वाइट जिगोसा मैं तो मेरी काकजी कान देखो कितने साफ है मेरी वजह से मेरी बदौलत कौन सा बैग खा लिया किस लिए प्याज प्याज टमाटर टमाटर वो अपना ले जाओ ब्लैक में लग जाएगा ना क्या नाम है प्याज तो ला ही है ना तेरा उधर मतलब कहां अच्छा उतने फिनिश हो गया है नहीं नए प्याज लाने अब दुकान पे निकालो वापस बाकी उसमें नहीं दुकान पे भी निकाल जाएगा छोटे के बड़े मेरा बैग है फ्रिज में देख लो गाइस मैं पूरा ब्लैक ब्लैक ट्राउजर ब्लैक फुजी ब्लैक बैग हां बस सिल्वर में तो एक मुनिया है ये दे दे मुनिया जरा सब के नहीं है तो ये निया है मत आ रहा इधर इधर आ रहा ग्रेट ब्लैक ये जगह ये दे सर और सोई सोई बोल ये चार पकड़ दे दो भाई मेरे निया ले लो चलो पकड़ भाई फंसी है मुझे अरे तो आप बता दो अभी जो खुद खेले की पर मांग मेरे दिल के कर रहा हूं डॉक्टर प्याज भून कर प्याज को भून हां हां सी फालतू को प्याज भूनना तब तक टमाटर का बॉईल करने और टमाटर का हमने जो मिक्सर में वो ग्राइंड करना है उसको टमाटर हां टमाटर तो है कि नहीं है जितने भी है तो बॉईल करके डालो बॉईल क्यों कर ले बॉईल करने से अच्छे बनेंगे ना किसी तरह ऐसे पीसो ऐसे करूंगा तो ग्राइंड सीधा और भी ग्राइंड में मैंने कल भी नहीं बनाया मम्मा सीधा करना क्या बॉईल करके टमाटर एक तो इधर भी छुपा था लाने तो पड़ेंगे लाने तो हैं ये तो एक तो रखो साइड में ये छुप जाएगा नहीं तो नीचे नहीं है टमाटर
टमाटर लाने पड़ेंगे भैया, टमाटर नहीं है। और लिखे वो सब लिखे, चल ये देखो यहाँ लिस्ट। और अभी डिस्कस हो रहा है कि क्या क्या लाना है, तब तक मैं एक काम करता हूँ स्कूटी को ऑन कर देता हूँ। और आज पता क्या हो गया यार, मेरी स्कूटी की बैटरी जो है ना वो डेड हो गई है, जिसकी वजह से क्या है कि अब इसको किक से स्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है वो देखो मोंटू कैसे सोई है ये देखो ये कैसे सोई है। ये देखो भाई साहब इसके अपने मजे है, इसको देख कैसे सोई है, इसको देख चल ठीक है। गाइस देखो अभी क्या चक्कर है कि हमें बहुत सामान लेने के लिए बचा है, तो इसीलिए नहीं वो से फ्राई करता है, तो इसीलिए अभी हम क्या करेंगे बाकी सामान लेके सीधा आपको घर में जाके मिलते हैं, बिकॉज बहुत जगह जाना बाकी है एंड इतना टाइम भी है हमारे पास। गाइस अभी हम घर पहुंच चुके हैं और ये देखो मोंटू किस तरीके से हमें देखे ये लो बड़ा कुछ सामान था लाते हैं, फिर अभी वैसे वो लाना है तेल की बोतल लानी है और क्या करते हैं इसको काटने में टाइम लगा तो तब तो भूल ही गए चिकन कमीना क्या बात देखो हाथ को चाट रही है देखना ये देखो ये देखो वो यार यार इतना सारा सामान है अभी लाने के लिए, मैंने बोला था इसलिए मैं शूट भी नहीं कर पा रहा था ज़्यादा, बिकॉज बहुत सारा सामान लाने के लिए और हमें दोपहर के लिए सब कुछ करना है करके रखना है। ठीक है बिकॉज दोपहर को हमारे सभी मेहमान आ जाएंगे। ये देखो मोंटू को देखो नीचे, क्योंकि उसमें चिकन है इसीलिए ये देखो दो के अभी थोड़ी दूंगा, पापा को एक पीस दे दो, पीस दे दो अभी एक एक पीस देना पड़ेगा मोंटू के बच्चा है हिस्सा ये ले तेरे शहर की सड़क भूल जाऊं गम वाली कमी देख के। खुश होती है ये भी, ये देखना ये देख रही है, तुझे क्या चाहिए अब, बस इतना ही था। ठीक है अब मैं हाथ साथ धोता हूँ अंदर अच्छे से एंड देन उसके बाद खाना बनाता हूँ। ठीक है सबसे पहले बाथरूम में जाके साबुन से हाथ धोता हूँ और उसके बाद ही बनाएंगे हम अच्छे से खाना। टेक दिस कैमरा इन योर हैंड मार पकड़ अच्छे से आरो में मेरा क्लियरली कैन आई विजिबल आपको दिखा दूं क्या है ये मेरे भाई की पैंट गाइस, दो हैं दो पार्ट में है और उसमें है पैंट, क्योंकि आप लोग बताना आप हमको कैसी लगी और ये रही कुछ इस तरह की पैंट। ये किस पर से मंगवाई थी? फ्लिपकार्ट से। गाइस लुक एट दिस
OMG, what the fuck is this going on? ये ले भैया, ले ले पूरा। कटराइजर है? ये क्या मेरी वाली है? हाँ। दोनों की आई हैं। गाइस ये वाली मेरी है। देखो, दिखा दो। यार मेरी तेरी मुझे नहीं पता, मैंने पहले जो ली, पकड़ ली बना ली। क्या हुआ? कैमरा ऑन नहीं? मैंने किया अपनी ओर से, लेकिन मुझे नहीं पता। मैंने नेट वाली कमीज मंगाने के क्यों गई? शर्ट। ओ या गाइस, मैं आपको इसके ऊपर अपनी शर्ट दिखाऊंगा, तब आप फिदा हो जाओगे। ये देखो हमारे बावर्ची साहब, दाम देने की गुस्ताखी की है। ये जबरदस्त है, अब तो तू हीरो बन गया। अब क्या शूज लगा के दिखाएगा क्या? गाइस लुक एट दिस, या ब्रदर के लिए भी मंगाएंगे हम। ये भी आप देख सकते हो नीचे से एंड ऊपर तक। भैया तो पकड़ता है, इनके कैमरा पकड़ने से मुझे डर लगता है। चलिए मार जाए पोज, अब थोड़े रैंप वॉक हो जाए। अब वो टैग तो बोल दे। एकदम हैंडसम बॉय, एकदम। यो गाइस, व्हाट्स अप गाइस, अभी क्या हुआ है, मेरे पापा गए तक काम करके, ठीक है। मैं मुझे ठकड़ों में गिर लगा दो ना, तो दोस्त की जोर में मुझे काट दे तेरी खचरे दिन। किजो 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 सुटना है क्या हुआ? मैं बोला Her father is a very, very, very lazy person in this world. You know, I will tell you a truth. बस अब मैं अपना काम करने जा रहा हूँ। बस मुझे निकलने बोल रही। I love you. तो यार ये वाला है फ्राई के लिए, ये वाला है ग्रेवी वाला, ये चल रही है चटनी की तैयारी। इसमें पनीर बन चुका है, इसमें है कि किसमें, हाँ इसमें, इसमें ही है। और इसमें कड़ी बन चुकी है, इसमें कड़ी बन चुकी है। आहा, गरम 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 गरम, ठीक है। ये सब कुछ बन चुका है, इसमें तेल डाला गया है फ्राई करने के लिए। और ये मिर्चें मुर्चें अभी धोई जा रही हैं सब कुछ, ठीक है। ये सब मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज अब हमारे पास टाइम नहीं है दिखाने वाला, बिकॉज हमारे पास कैमरा मैन नहीं है। दैट्स व्हाई हम खुद अब बना के आपको रेडी करके दिखाने वाले हैं सारे प्रोडक्ट्स, ठीक है। प्रोडक्ट्स खाने के आइटम, ठीक है। और हमारा भाई इन सब में मदद कर रहे हैं, सैलड काट रहा है, देख सकते हो आप, ठीक है। बहुत शरीफ बच्चा है, देखो इसकी शक्ल, ठीक है। हाँ नीली क्यों, सूखी भी डालनी मैंने उसके अंदर, लेकिन डाल सकते हो आप, ठीक है। अरे आप भी रखना ना आधा, सारा मैं थोड़ी यूज़ करूँगा, थोड़ा आप भी रखना। तो ठीक है गाइज, अब हम आपसे मिलते हैं सीधा खाना बनाने के बाद। बाय बाय। सो गाइज यहाँ हो रही है अभी चटनी मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। ये हमारा भाई जो है चटनी पे बैठा है और मम्मी डाल रहे हैं, और मैं मीट वाला बंदा हूँ, ठीक है। सबके कंपार्टमेंट बटे हुए हैं, वो देखो सलाद वाले सलाद काट के बैठ चुके हैं, और हम मीट वाले हैं, इनका मजा लेने। अच्छा पनीर थोड़ी बनाया अभी आपने। और ये गरम भी है ना, अभी आपको मीट के दर्शन करवा दूँ, दर्शन गलत है। ये देखो अभी इसमें चल रहा है, ठीक है। और उसको टाइम लगेगा बिकॉज डीप फ्राई कर रहे हैं, और जो लहसुन जो है कुट के बैठ चुका है,
यहाँ टमाटर बॉईल होते जा रहे हैं, वहाँ काम धनाधन होते जा रहा है। अभी पनीर जो है वो बना के मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो पनीर जो है यहाँ है, हमने थोड़ा थोड़ा टेस्ट किया है। और उनके नरम नरम पीस डालेंगे ताकि वो निकल सके। देखा नानी की फिक्र है मैं। ओहो बहुत हो गई, लेकिन है अभी थोड़े से, रुक जा थोड़े से और गाइस। सो गाइस ये है हमारा पहला फ्राई, ठीक है। अभी और डाला है मैंने, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो फिर अभी और डाला हुआ है और यहाँ और पड़ा हुआ है। अभी ये सब कुछ मुझे ही बनाना है, पापा तो मस्त बैठे हैं। देखो मैं और मेरी मम्मी मेरे, मतलब मम्मी मीट नहीं बनाते, मम्मी सिर्फ वैष्णो का सामान बनाते हैं, उन्हें बनाता हूँ चिकन टिक्का बाकी सब। और ये हैं पिताजी, ये है भैया, ये टीवी लगा के रखे बस एक ये। और लेकिन ये टीवी का अगर आवाज़ आएगा तो हमारे वीडियो में कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए हम ये नहीं दिखा सकते। ऑलराइट गाइस, सो हम तुम्हारे भाई सब कुछ बना दें एकदम रेडी है, ठीक है। सब कुछ हो चुका है सेटअप, हमने बाहर सर्व करना भी शुरू कर दिया है। चक्कर ये है कि ओ शिट, मैं देख रहा हूँ हैंगर गिर गया यहाँ से, देखो हैंगर गिर गया है, इसको फिक्स कर रहा हूँ। अभी टाइम ही नहीं है यार, फिलहाल एक बात बोलूँ, हम जल्द जल्दी निकलते हैं फिर हम भी बाहर जाते हैं, आप लोगों को सबसे मिलाते हैं एंड बाय बाय। ऑलराइट गाइस, सो अभी हम नहा के हो चुके हैं रेडी और हमने सब कुछ सामान जो है बाहर पहुंचा दिया है। यह हमारी मम्मा और यह मेरे रिलेटिव्स के सामने थोड़ी सी मेरे मामू वहाँ है, और खास करके मेरे एक मामू जो है बिक्की मामू, ये माई सबसे बड़े मामू, That's why look at this father and my father, look at this father, not look at this my father. बच्चों के लिए देने प्लास्टिक वाले। हाल चाल है, खड़े थे रोटी लोग कहाँ है जाट खाने हो रहे थे। अच्छा काट 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 तो सुन भी रिकॉर्ड कर लंबी उम्र जी। गाइस तुम्हें मैं एक बार गंध दिखा देता हूँ, ये देखो, ठीक है। क्योंकि देखो सब अच्छा अच्छा तो सब दिखाते हैं, बुरा वाला मेरी माँ दिखाएगी, ठीक है। ये बहुत बुरा हाल हो गया, अब बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं,
सोना है वो, बस सब जाएंगे। कैसा, क्या कहना चाहोगे? मजा है, मजा भी आया। क्या कहना, किसने आपकी मदद की सबसे ज्यादा? मेरे बच्चों ने, दोनों ने। उसने भी दोस्त बड़ी की चटनिया बनाई है, और क्या बस। ओ मैं गाली देता हूँ, बस बस बहुत हो गया। बुझी यार यार, नहीं जल्दी खाना है। संडी मंडी संडी जो बस जो कैमरा क्या हो गिर गया, मैं गिर गिर गया, फिर उठा लिया। मैं दिखाऊं तुम्हें, ये सारा बच्चों को ये आ गया, ये अब देखो मुंह छुपा रहा है क्योंकि इसने क्या किया है ना। क्या क्लैश ऑफ क्लैन क्या, बस इसको हो गया। चलो चल बोलो ये सब तेरे लिए, चार मुर्गे फट के दे, फटवाए सामने वो एक ही बात है। अरे बाला खुद बाला खुद मारे, उधर से मारे, उधर से मारे, वो रो रहा था वहां। मेरा भाई रो रहा था मुर्गों के लिए जब मुर्गे मर रहे थे। ऑलराइट गाइस, तो हमारा फंक्शन भी हो चुका है खत्म और हम भी बहुत ज्यादा थक गए हैं। सब देख सकते हो आप, सब के सब जो है घर को चले गए हैं और हम भी बहुत जगह आना जाना हुआ, दैट्स व्हाई उसमें रिकॉर्ड नहीं कर पाए। बट या ये थी हमारी एक और हमारे चैनल पे हमारी प्यारी सी मेमोरी। ये देखो किस तरीके से बैठे हैं तोंद फैला के, वो मम्मी वहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ। तो ठीक है, इसी के साथ करते हैं ये ब्लॉग खत्म। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाय बाय।